हेलो एवरीवन, द कल्चरल फूड में फिर से आपका स्वागत है। साउथ इंडिया की फेमस पेपर चिकन फ्राई बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती है। ड्राई स्टाइल पेपर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1200 ग्राम विथ बोन चिकन। इस पर मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला अंदर तक पहुँचे। एक पैन में 1 टीस्पून साबुत धनिया, ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काले मिर्च और आधा टीस्पून सौंफ डालकर लो फ्लेम पर रोस्ट कर ले जब तक कि मसालों में सुगंध आना शुरू हो जाए। ध्यान रखें कि मसाले जले नहीं। मसालों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर ले। इसके बाद इसे दरदरा कूट ले। अब हमारा पेपर फ्राई मसाला तैयार है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून ड्राई पुदीना लो फ्लेम पर भून लें। इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से क्रश कर लें। एक मिक्सर जार में 4 हरी मिर्च, 12 से 15 लहसुन की कलियां, 3 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 करी पत्ते डालकर फाइन पेस्ट कर लें। एक कढ़ाई में आधा कप यानी 75 ml ऑयल डाल लें। तेल गर्म होने के बाद साबुत मसाले जैसे आधा टीस्पून काले मिर्च, आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून सौंफ डाल लें। मसाले चटकने के बाद आधा टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, स्लिप की हुई 3 हरी मिर्च डाल लें। सूखी हुई लाल मिर्च जिसे गुंडूर चिलीज भी कहा जाता है, यहाँ 3 से 4 में डाल लेती हूँ। अब यहाँ 1/4 कप करी पत्ते डालकर सौते कर लेते हैं। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मीडियम साइज के 5 स्लाइस की हुई प्याज डाल लेते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना है, इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक पका लेते हैं। अब यहाँ हमारी प्याज पक चुकी है। ग्राइंड किया हुआ जिंजर, गार्लिक और करी पत्ते का मसाला ऐड कर लेते हैं। लो फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक भून लें। मसाले अच्छे से भून लेने के बाद यहाँ पर चिकन ऐड कर लेते हैं। मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। लो फ्लेम पर 2 मिनट तक अच्छे से भून लें। यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तैयार किया हुआ पेपर चिकन मसाला ऐड कर लेते हैं। मसाला अच्छे से मिक्स कर लें। एक कप गरम पानी ऐड करके 10 से 12 मिनट तक ढककर पका लें।
अब यहाँ पर हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर बाकी मसाले ऐड कर लेते हैं। 10 से 12 करी पत्ते, आधा टीस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून गरम मसाला, कुटा हुआ कसूरी मेथी और ड्राई पुदीना, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अब यहाँ पर 2 टीस्पून कटा हुआ हरा धनिया और 10 से 12 अदरक के लच्छे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक पका लें। चिकन और मसालों को अच्छे से स्टिर कर लें ताकि मसाले चिकन से लिपट जाए। हमारा लटपटा और चटपटा पेपर चिकन फ्राई तैयार है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। कटे हुए हरे धनिए और अदरक के लच्छों से गार्निश कर लेते हैं। साउथ इंडिया में इसे ज़्यादातर रसम राइस के साथ एज ए साइड डिश सर्व किया जाता है। केरला में मलबार पराठे के साथ ज़्यादा सर्व किया जाता है। हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।